हनुमान गढ़ी के बारे में। हनुमान जी का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण दर्शन यही है, पहले हनुमान जी का दर्शन। और गाइस यहाँ पे कुछ लोग जय श्री राम, जय श्री राम, अब रामचंद्र की। हे गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइज, आई एम योर यूनिक फ्रेंड आयुष। और गाइज आज अयोध्या में मेरा दूसरा दिन है, इसके पहले मैं कल राम की पैड़ी वाला ब्लॉग अपलोड कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। और गाइज आज यहाँ से हम चलेंगे हनुमानगढ़ी, जो कि 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से ऑटो मिलता है और आगे से भी ऑटो मिलता है। यहाँ से ऑटो मिलेगा तो आपको 20 रुपये लगेगा और आगे से ऑटो मिलेगा 10 रुपये लगेगा। 100 मीटर आगे जाएंगे तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा और 100 मीटर पीछे जाएंगे तो आपको 20 रुपये देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा 10 रुपये दे के आराम से जाएंगे। और गाइज वैसे मैं सुबह उठा हूँ, यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से नहाया हूँ, वैसे आपको पता ही होगा जो झरने का पानी आता है, उसके बाद से जाके पूजा पाठ किया हूँ और इस टाइम बज रहे हैं 10। वैसे यार सोने का व्यवस्था भी मस्त था, वहाँ पीछे मैं रुका था यहाँ पर। और गाइज चलिए अभी चलते हैं हनुमानगढ़ी, ऑटो लेके आएंगे भैया, हनुमानगढ़ी चलेंगे हनुमानगढ़ी। और गाइज मैं कन्फ्यूज हो गया था हनुमानगढ़ी साइड जाएगा इस साइड, लेकिन इस साइड जाना है हमको। और गाइस चलिए, और कुछ लोग हाय कर रहे हैं पीछे, हनुमानगढ़ी भैया हनुमानगढ़ी। और गाइस फाइनली आ गए, रुक जाइए भैया ऐसे को भैया। और गाइस फाइनली ऑटो मिल गया और यहाँ पे ऑटो भी गजब की चल रहा है। ये गली हनुमानगढ़ी गली है और देखिए गाइस जो ये लुक एंड फील दे रहा है, एक ही तरह के सारे घर कलर हैं, येलो येलो चारों तरफ येलो ही आपको दिखेगा, जो भी घर है मतलब एक तरह से एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हनुमानगढ़ी गली है, इसे मतलब और खास बनाने के लिए कलर एक ही कर दिया गया है घरों का। और गाइस यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा और हाई सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी है। और गाइस ये देख सकते हैं श्री राम का फील, जो ये हनुमानगढ़ी है हनुमान जी का फील देता है। और आगे मतलब श्री राम जी के भक्त जो हनुमान जी थे उनका मतलब यहाँ पर निवास स्थान है, इस वजह से हनुमानगढ़ी बोला जाता है। अभी गाइस हम ज़्यादा दूर नहीं, हनुमानगढ़ी के पास ही पहुँचने वाले हैं बस। और गाइस कभी भी आइएगा तो ये चढ़ावा जरूर ले जाइएगा, क्योंकि अंदर जाके हनुमान जी और राम जी को चढ़ाना रहे। और गाइस ये हनुमान जी का गढ़ हनुमानगढ़ी पीछे जो आपको दिख रहा है, ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है गाइज। और एक तल्ले या दो तल्ले से नीचे आपको चल के आना पड़ेगा, फिर जाके आप यहाँ पर आएंगे। और गाइज ये देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है श्री हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। गाइज अभी हम बहुत पीछे हैं, भीड़ बहुत ही ज्यादा है और ये अपने आप में बहुत ही मस्त बना। और गाइस फाइनली दर्शन हो गया हनुमान जी का, और चलिए गाइस आगे का सीन दिखाते हैं, आगे का भी सीन मस्त सलाम कर रहे हैं। ये सर जी यहाँ देखिए गाइस प्रोटेक्टर, बोलना चाहेंगे अयोध्या के बारे में, अयोध्या हनुमानगढ़ी के बारे में। हनुमान जी का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण दर्शन यही है, पहले हनुमान जी का दर्शन कला का दर्शन करते हैं। धन्यवाद सर, जय श्री राम। और गाइस चलिए अभी आगे का सीन आपको दिखाते हैं। गाइस ये देखिए पीछे ही हनुमान जी के जो पीछे भी मंदिर हैं, और गाइस आगे भी मंदिर हैं, और यहाँ पर बहुत तगड़ी भीड़ है गाइस। प्रणाम बाबा, बाबा कुछ बताएंगे हनुमान जी के बारे में, हनुमानगढ़ी के बारे में। क्या बाबा नीचे मंदिर है क्या? और गाइस इसके नीचे भी आप जा सकते हैं। बाबा अंदर मंदिर है क्या? बाबा अंदर मंदिर है क्या? बाहर जा रहा है ये रास्ता। अच्छा पीछे रास्ते। और गाइस ये रास्ता पीछे जाएगा बाहर, मतलब चला जाएगा, मुझे लगा पीछे ही नहीं है। वैसे ही मंदिर अपने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बना है, भजन वगैरह हो रहे हैं।
और गाइस ये देखिए मंदिर यार क्या लाजवाब बना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। अयोध्या हम आप किसी भी मंदिर में चले जाएंगे वहाँ से आने का फिर जाने मतलब जाने के बाद आने का मन नहीं करेगा। वैसे पता नहीं मेरी वॉइस आप तक पहुँच रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुमाइश है यहाँ पर। और गाइस ये भीड़ देख सकते हैं। बहुत जी प्रणाम, जय श्री राम। पूजा पाठ कर सकते हैं जो भी करना है। ये पीछे और पीछे यहाँ पर पूजा पाठ आप बैठ के कर सकते हैं अच्छे से। देखिए हनुमान जी का मंदिर वगैरह जो भी सुंदर कांड हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छा। और देखिए कितना फैन यहाँ पर लगा, व्यवस्था है। लास्ट सीन है हनुमानगढ़ी का, जो हनुमान जी का मंदिर है इनका। और गाइस ये देख सकते हैं अभी हम बाहर जा रहे हैं एग्जिट गेट के पीछे। और गाइस चलिए अभी आगे चलते हैं, आगे को एक्सप्लोर करते हैं। वैसे यहाँ पानी पीने का भी व्यवस्था है बहुत बढ़िया। और गाइस हम पानी पी लेते हैं। और गाइस फाइनली अच्छे से बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। बहुत ज़्यादा भीड़ था तभी दर्शन बढ़िया से हुआ। और गाइस चलिए अभी नीचे चल रहे हैं और आगे चल के देखते हैं कनक भवन यहीं पर है। और गाइस ये भीड़ तो बहुत अनबिलीवेबल सा है भाई साहब यहाँ पर। और गाइस चलिए अब चलते हैं कनक भवन। कनक भवन को भी एक्सप्लोर कर, मैं पता नहीं उल्टा जा रहा हूँ या सीधा, मुझे नहीं पता। मुझे एक सेकंड पूछता हूँ बाबा कनक भवन किधर है। उल्टा आ रहे थे ना। और गाइस देखिए मैं उल्टा आ रहा था, मुझे लग भी रहा था मैं उल्टा जा रहा हूँ क्योंकि आगे से राइट में जाना था और मैं लेफ्ट जा रहा था। का मार्केट भी एकदम पूरी तरह से धार्मिक है, धार्मिक प्लेस का मार्केट भी धार्मिक। और गाइस देख सकते हैं चारों तरफ बस माला, भगवान का फोटो और मतलब भगवान का थाली, भगवान का जो लोटा वोटा होता है ये सब मिला। गाइज ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये इतना बड़ा महल, ये दशरथ महल है। और ये ज़्यादा लिमिटेड टाइम तक ही खुला रहता है, जैसे 12 बजे तक 11 बजे तक रोज़ खुला रहता है। उसके बाद ये गेट बंद हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर एंट्री नहीं मिलती है। और गाइज हम तो टाइम पे पहुंच गए, वैसे 10 बजे तक नहाए ही हैं तो लेट तो हो ही गया था दर्शन करने में, लेकिन तब भी समय पहुँच गए। और ये दशरथ महल वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग, अच्छी एरिया में मतलब पूरा बहुत ज़्यादा जगह दी गया है। आयुष यूनिक, आयुष यूनिक कहाँ से है भैया। यहाँ पर भी भीड़ है। और ये सब तो ऐसे ऐसे आलीशान मस्त मस्त महल हैं जहाँ पर आने के बाद जाने का मन नहीं कर रहा है गाइस। और ये पीछे का सीन देख सकते हैं आप, क्या मस्त सीन है यहाँ का, ड्रीम मोमेंट। यहाँ पर भीड़ है, ये बड़ा है लेकिन इस वजह से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है घूमने में। और गाइस ये देख सकते हैं कितना हो गया, जब यहाँ का जो महल का कलर है ना भाई वो बहुत ही यूनिक तरह से दिया गया है, आई डोंट नो कैसे किया गया होगा। और गाइस ये देख सकते हैं ये पीछे जो भी सीन दिख रहा है ये पूरा दशरथ महल है। तो गाइस जी मेरे भाई हैं, आकर्ष नाम है ना। हाँ आकर्ष नाम ला रहे हैं। बिल्कुल आओ मेरठ आओ। मेरठ में हस्तिनापुर है और मेरठ में जहाँ से मंगल पांडे ने शुरू किया था वो है। और मेरठ की नान खटाई बहुत फेमस है। हाँ आऊँगा गाइस, आऊँगा भाई मेरठ आऊँगा।
अभी घूमते हुए आऊँगा। और आप एक चीज़ और गूगल पे सर्च करोगे तो मेरठ स्पोर्ट्स सिटी इंडिया की। ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मेरे सब्सक्राइबर भी हो गए ये। कभी भी अयोध्या आइए तो होटल में ना खाइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे लंगर सुबह शाम दोनों टाइम चलता है, 12 से 3 चलता है, नहीं एक ही टाइम, 12 बजे से 3 बजे तक। श्री राम हनुमा का मंदिर है ये, यहाँ पर आ जाइए आप हनुमानगढ़ी के जस्ट राइट 200 मीटर, और यहाँ पर देखिए पूरी तरह से खाना हर एक खाना यहाँ पर खिलाया जाता है, और ये मंदिर भी बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत भव्य है। देखिए गाइस, और गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और गाइज अभी ये मंदिर देखिए, श्री राम हनुमा का मंदिर है। और गाइज यहाँ पे कूपन मिल गया हनुमा राम मंदिर पे, देखिए गाइज, और ये इस कूपन के थ्रू आप अंदर जाएंगे, आराम से खाना खाएंगे और फिर निकल, मतलब घूम सकते हैं और फिर जा सकते हैं, और रहने वहने का भी व्यवस्था इधर है बगल में। ऐसे देखता हूँ रात यहीं पे काट रुक जाऊँगा और सुबह और भी कहीं घूमेंगे। वैसे यहाँ पर पानी का भी व्यवस्था है, तो चलिए गाइस खा पी लें अंदर। और गाइस यहाँ श्री राम जी का ये देखिए मंदिर कितना प्यारा है, और इसके अंदर एसी लगा हुआ है, ये जो धनुष बना, और यहाँ पे राम जी का, जो श्री राम जी हैं उनका मतलब बाल्य अवस्था यहीं पर हुआ था, बाल्य अवस्था लोग बोल रहे हैं, और जो मतलब जैसे बचपन बीता हो। और गाइस चलिए अंदर। सुबह कितने बजे बंद हुआ होगा? सुबह तो नहीं मालूम है, काम वाला। और गाय जी बाबा यहीं के हैं, इनको शायद नहीं पता है। और ये जो मंदिर है ये अभी 4:30 बजे खुलेगा और रात को 8 बजे बंद हो जाएगा, और फिर इसके बाद से ये जो और सुबह ही पता नहीं मुझे कब बंद होता है, आई डोंट नो, लेकिन इतना पता है ये जो कनक भवन है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अपने आप में बहुत ज़्यादा माना जाना है, और इसके आगे पीछे चारों तरफ बहुत ही औसम से नज़ारे हैं। और देखिए गाइस गाड़ियों की लाइन लगी है यहाँ पर भी, देखने वाले हमेशा आ जा रहे हैं यहाँ पर। ये कनक भवन खुल चुका है 4:30 बजे, और 4:30 बजे इसका टाइमिंग, 4 बजे टाइमिंग था। और गाइस ये पीछे का सीन देखिए, ये कनक भवन है जहाँ श्री राम और सीता जी रहते थे।
गाइज यहाँ पे कुछ लोग हैं, बोलिए क्या बोल रहे हैं। बस आपके फैन हैं हम लोग। अरे हमारे फैन कैसे हैं, पहली बार देखे हमको। जय श्री राम, जय श्री राम। और गाइज हम कनक भवन पूरा घूम चुके हैं। और गाइज आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। और गाइज ऐसे ही ब्लॉग को देखते रहिए, वैसे अभी और भी ब्लॉग आने वाले हैं। तो गाइज ब्लॉग अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। और ये मेरा भाई जो इस टाइम मेरा बहुत ही साथ दिया आज, क्या नाम है, विकास यादव, विकास नाम है इसका, विकास यादव।